फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 10 गुना मुआफ़ फरमाता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछला जो लेक्चर, लास्ट लेक्चर था, वो हमने स्क्वायर लेना सीखा 2 डिजिट्स नंबर का, यानी 2 डिजिट्स नंबर जो है उनका स्क्वायर कैसे लिया जाता है, और ये ट्रिक के तौर पर हमने किया। इसको हम मेंटली मैथ कहते हैं, जो दिमाग के साथ किया जाए, इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट कैलकुलेटर हमने 2 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर लेना सीखा। आज हम 3 डिजिट्स का क्यूब तो नहीं, सॉरी 2 डिजिट्स का आज क्यूब लेना सीखेंगे। कौन सा? 2 डिजिट्स नंबर का क्या लेना सीखेंगे? क्यूब। और 2 डिजिट्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। वेरी गुड। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। खत्म कहाँ पे होते हैं? 99। इनमें से कुछ नंबर प्यारे बच्चों वो है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कुछ नंबर वो है जो 1 पे खत्म होते हैं, कुछ नंबर्स वो हैं जो एक जैसे हैं, सेम है। वेरी गुड। और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों डिफरेंट हैं। इन चारों के रूल डिफरेंट हैं क्यूब लेने के। अभी आइए देखते हैं, मैंने अभी जो बात बोली है कि कुछ नंबर्स के, देखिए अगर तवज्जो से देखें, कुछ नंबर स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट 1 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आ जाएगा 11, 1 2 1 3 अप टू 1 9। तो ये नंबर जो है 2 डिजिट्स वाले नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर एंडिंग जो है 1 से होती है, एंडिंग 1 से। ऐसे नंबर जो 1 पर खत्म हो उनका क्यूब लेने का तरीका, जैसे 2 1 3 1 sorry 3 1 4 1 4 1 91। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है हमारे सेम नंबर। कौन से नंबर? सेम नंबर। वो कौन से? 1 1 1 1। तो इसमें रूल अप्लाई हो जाएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 9 9। अब उसके बाद है डिफरेंट नंबर। उसके बाद कौन से? डिफरेंट नंबर 23 24 24 25 26। प्यारे बच्चों, ये 4 तरह के नंबर्स हैं, इनके क्यूब लेना। और आपकी क्लास में ये सवाल भी क्यूब का आएगा, आप इजीली क्यूब का, अगर आपको क्यूब लेना आ गया तो आप इसके अलावा आप इसका क्यूब रूट भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए इन 4 का डिफरेंट हम तरीके से इसको, इसका क्यूब लेना सीखेंगे और बहुत ही इजीली हम इसका क्यूब ले सकेंगे। सबसे पहले आपको जो है क्यूब आने चाहिए, वो किसके आने चाहिए? 1 का क्यूब 1, 2 ऑफ क्यूब 8, 3 ऑफ क्यूब 27, 4 ऑफ क्यूब 64, 5 ऑफ क्यूब 125, 6 ऑफ क्यूब 216, 7 ऑफ क्यूब 343, 8 ऑफ क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 ऑफ क्यूब 729, 1000। तो प्यारे बच्चों ये आपका आएगा, सॉरी 7 7 9 7 2 9। ये आपको क्यूब अगर याद है तो आप इजीली इनके क्यूब फाइंड कर सकते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए पहला हम चलते हैं, स्टार्ट जो 1 के साथ स्टार्ट होते हैं, जो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। पहले उसका हम मेथड हम समझ लेते हैं। स्टार्ट 1, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 1 2 1 2, इसका क्यूब लेते हैं। तो इसका मेथड समझ लें किस तरीके से हमने इसको, इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले 1 लिखें, फिर स्पेस देकर 2 लिखें, फिर इस 2 का डबल, इस 2 का डबल करें, इस 2 का डबल करें, कितना होगा? 2 ऑफ स्क्वायर 4, फिर इसका क्यूब लें तो कितना आएगा? 8। प्यारे बच्चों जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे उनका क्यूब लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले 1 वो नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर लास्ट में जो नंबर होगा उसका क्या लेंगे? स्क्वायर।
फिर उसी लास्ट नंबर का क्यूब, टू का क्यूब हमने याद किया हुआ है, टू का क्यूब क्या होता है, एट होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट को और लास्ट को छोड़ना है, इसको छोड़ दें, फिर हमने क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, टू है आंसर क्या होगा, फोर, और इसको भी टू से मल्टीप्लाई करें, फोर को भी आंसर क्या होगा, एट। अब नीचे लाइन लगा देनी यहाँ पे, अब एट को एज इट लिखें, जिस तरह उसी तरीके से आप एट को लिखें, अब फोर प्लस एट आंसर इज ट्वेल्व का टू, नोट डाउन, वन इज कैरी, वन इज कैरी, टू प्लस फोर आंसर इज सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, वन एज इट, ठीक है, नोट डाउन। अब आपके पास आंसर वन टू क्यूब का आंसर क्या हो गया, वन सेवन टू एट, वन सेवन टू एट। प्यारे बच्चों ये कौन से डिजिट हैं, तीन का क्यूब लिया हमने, जो वन से स्टार्ट हो, अब है एंडिंग डिजिट वन हो, जो किससे एंड क्या हो, वन से। फॉर एग्जांपल हम वैल्यू ले लेते हैं 21, इसका क्यूब लेंगे इसका। अब देखिए उसमें हमने क्या लिखा, वन को हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट साइड से, अब इधर इसका वन वन, फिर टू, फिर टू का डबल फोर, फिर टू का ट्वाइस थ्री, यानी क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, एट, वन टू, फिर टू का स्क्वायर फोर, टू का क्यूब एट, लास्ट छोड़ देंगे फर्स्ट, ये इस तरफ से ये दोनों नंबर छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई, टू से ये आंसर क्या आएगा, एट, और ये फोर। अब इनको ऐड करेंगे, वन इन वन एज इट, फिर नेक्स्ट टू प्लस फोर सिक्स, फोर प्लस एट ट्वेल्व का टू, वन नाइन, इसका आंसर होगा टू, वन थ्री का क्यूब होगा नाइन, सिक्स। प्यारे बच्चों वो नंबर्स जिन जो नंबर वन के साथ खत्म हो और उसके नंबर के अंदर टू डिजिट हो तो उसका क्यूब लेना हमने सीखा। अब चलते हैं हम वो नंबर जो सेम होंगे, सेम नंबर सेम डिजिट्स, सेम डिजिट्स में हम ले लेते हैं टू, ये सेम डिजिट्स हैं। अब इसका मेथड क्या है, आपने इन सेम नंबर्स को फोर टाइम लिखना है, कितने टाइम, फोर टाइम, ये फोर टाइम इन नंबर्स को, जो भी सेम होंगे, आप यहाँ पे थ्री थ्री भी हो सकता है, फोर फोर भी हो सकता है, फाइव फाइव भी हो सकता है, सिक्स सिक्स भी हो सकता है, उसको आप क्या लिखें, फोर टाइम लिखें, फिर इन सब का क्यूब लें, इन सब का क्यूब लें, टू का क्यूब एट, टू का क्यूब एट, टू का क्यूब एट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये छोड़ेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, और इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन। अब इसको ऐड करेंगे, एट, एट प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का नोट डाउन, फोर टू कैरी, एट प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स, सिक्स टू कैरी, टू प्लस एट टेन। तो फाइनल क्या इसका आंसर होगा, सेम डिजिट्स का, टेन सिक्स फोर एट। प्यारे बच्चों ये हमने क्यूब किसका लिया, जिसके सेम डिजिट्स हों, ऐसे दो डिजिट वाले नंबर जिसके सेम डिजिट्स हों हमने उसका क्यूब लेना सीखा। अब हम सीखेंगे डिफरेंट डिजिट वाले, कौन से different. इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, ये तवज्जो से समझिएगा। जैसे हम टू थ्री ले लेते हैं, इसका क्यूब लेना बच्चों, इसका तरीका क्या है तवज्जो से नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम टू का क्यूब लिखें फर्स्ट नंबर का, फिर थ्री का क्यूब लिखें, ओके, पहले थ्री का क्यूब फिर टू का क्यूब। अब हमने क्या करना है, टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री, मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टू एज इट स्क्वायर ऑफ सेकंड, स्क्वायर ऑफ दोबारा देखें, क्यूब ऑफ फर्स्ट लास्ट में, क्यूब ऑफ सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई ऑफ सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट एज इट स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट, फिर इनको मल्टीप्लाई। अब देखें टू ऑफ क्यूब आंसर इज एट, टू ऑफ स्क्वायर आंसर इज फोर, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेल्व, आंसर इज थ्री, स्क्वायर ऑफ थ्री आंसर इज नाइन, नाइन मल्टीप्लाई बाई टू आंसर इज एटीन, आंसर इज एटीन, थ्री ऑफ क्यूब आंसर इज ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी। नेक्स्ट स्टेप हमारा
क्या होगा, फर्स्ट और ये लास्ट हम छोड़ देंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, इसको भी से, तो ये क्या आ जाएगा 24, 18 मल्टीप्लाई टू 36। तो अब हम देखें 27 है, 27 का 7 एज इट, 2 कैरी, 18 प्लस 36, प्लीज कैलकुलेट, 18 प्लस 36 आंसर 54 प्लस 2 56, नोट डाउन, 5 कैरी, 12 प्लस 24 36 प्लस 5 41 इज नोट डाउन, 4 कैरी, 4 कैरी, 8 प्लस 4 आंसर इज 12, 2 3 का क्यूब फाइनल आंसर 12 1 6 7। प्यारे बच्चों हमने ये इसका हमने क्यूब फाइंड किया, डिफरेंट नंबर का क्यूब फाइंड। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, आपको सवाल आ जाता है डेसिमल फॉर्म में, किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, जो आपको डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1/2, इसका क्यूब फाइंड करना है आपने 1/2 का, जैसे आपकी बुक में भी यह क्वेश्चन है। अब इसका भी सेम मेथड है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पहले बच्चों ऐसे, पॉइंट को खत्म किया 1 आया और आगे 0 आया। अब देखिए 12 का हमने क्यूब फाइंड किया हुआ है, 12 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, वो ही 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर फर्स्ट और लास्ट छोड़ देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 8, ये 8 एज इट आ जाएगा, 4 प्लस 8 12 1 आ जाएगा और 2 3 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए बच्चों वैल्यू आपके पास आएगी 1 7 2 8 और नीचे 10 ऑफ क्यूब 1000 क्यूब 1000। अब हम देखेंगे ये पॉइंट लगाएंगे 1.728, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1/2 का क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा, ये अब कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ये 1 यहां पे पॉइंट, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट है तो 0 कितने 3, तो हमने इसको डेसिमल फॉर्म में भी इसका क्यूब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले बच्चों ये क्यूब लेना, 2 डिजिट्स नंबर्स का क्यूब लेना आज हमने सीखा। तो ये बहुत सारे ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि जहां पर हमें क्यूब लेना पड़ता है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, अगर आप इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मेथड की, इस ट्रिक की, इस मेंटली मैथ की आपको समझ आ चुकी होगी कि आप विदाउट कैलकुलेटर आप 2 डिजिट्स नंबर वालों का क्यूब फाइंड इजीली कर सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो हमने समझा इसको समझकर आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।